जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं अब हम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है मुझे कुछ कहना है इसमें भी आज चूंकि बड़ा ख़ास दिन है जनाब करारदाद मंजूर हुई और पेश की गई सो आज भी हमने बहुत सारे इनाम यहाँ रखे हैं हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे थर्ड आएंगे उनके साथ हरबियन और ख़ालि स्वीट्स के गिफ्ट हैं फिर आ, हमारे पास कोस भी है यहाँ पर और जो सेकेंड आएंगे उनके साथ फोटाइल भी है हरबियन भी है और खालिद स्वीट्स भी है और कोइस भी है और जो हमारे फ़र्स्ट आएंगे उनको एल जाएगी जनाब बाई ओजी डेवलपर्स ओजी डेवलपर्स का कहना है क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट सो देखते हैं कि कौन एलईडी जीतता है और कौन क्या जीतता है और कौन आगे जाता है कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड आता है हमारे साथ इमरान अहमद शाह साहब हैं आईबीए कराची से uh, आज का जो मौजू है वो है उम्मीद सुबह जमाल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना आया, आया। जी तैयार है दोस्त? बिस्मिल्लाह। तो। तेरह अगस्त उन्नीस सौ ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए चौदह अगस्त उन्नीस सौ ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है आपको पाकिस्तान मुबारक सोलह अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यावन मैं अखबार देखता हूँ शह सुर्खी पढ़ता हूँ मेरे मुल्क के पहले वज़ी अज़म लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया है मैं आगे बढ़ता हूँ 20 साल की मुसाफत तय करके 1971 में पहुँचता हूँ अभी सांस लेने ही लगता हूँ कि रेडियो पर ऐलान होता है कि मेरे वतन अजीज़ का बाजू काट दिया गया है मैं आगे बढ़ता हूँ 16 दिसंबर 2014, एपीएस हमला पहले सड़कें और दीवारें फिर मसाजिद और अब जयलीम गाहें सब कुछ लहू लहू है जनाब सदर ज मेरा मुल्क लहू लुहान मेरी कौम परेशान कशकोल जदा मेरा हुक् मेरी आवाम बदगुमान दहशत ज़दा, मेरा, मेरा नौजवान उसकी सोच पस जंदान सवाल तो ये उठता है कि अब तक ये मुल्क कैसे कायम है मसाइल बेशुमार हैं मगर ए नौजवान उम्मीद सुबह जमाल रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस की बुनियाद रखने वाला अब्दुलसतार ईदी तुम में से है जंग की गलियों से निकल फिजिक्स में नोबल प्राइज़ जीतने वाला अब्दुलसलम तुम में से है मलाला यूसफई एम एम आलम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और इस मुल्क को पहली इस्लामी एटमी ताकत बनाने वाला अब्दुल कदीर खान ये सब तुम में से हैं जनाब आला हमारी कौम वो कौम है जिसने हर मुश्किल वक्त में हर मुश्किल का जवाब मर्दी से मुकाबला किया है उन्नीस सौ अड़तालीस नौजायदा मुमलिकत जंग मुसलत की जाती है मगर हम डटे रहते हैं उन्नीस सौ इकहत्तर वतन दो लाख मगर हम संभलते हैं और एटमी ताकत बनकर दिखाते हैं तीन बार अमराना राज के बावजूद जमहूरियत फिर जिंदा होती है खेल के मैदानों में तमाम तरफरानियों के बावजूद आज फिर सीटियां बजने लगी हैं और बरकी कुमक में जगमगाने लगे हैं नौजवान उम्मीदें सुबह जमाल रखना के इस अर्जे पाक पर रोशनी फैल कर रहेगी अमन कायम होके रहेगा और खुशहाली कर रहेगी जब अपना काफिला से निकलेगा जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा बतन की मिट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जबरदस्त जबरदस्त जी आगे बढ़ेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज टंडो आदम से अली ईमान है हमारे साथ जी बिस्मिल्लाह। कि मैं सुर रहमान की तिलावत से अपने कल्बुल नज़र की प्यास बुझा रही थी और साथ हीज़ल सनाय कुदरत की एक एक नमत को शुमार कर रही थी और साथ ही रबिलमय यजल सनाई कुदरत की एक एक नेमत का शुमार कर रही थी सरा रहमान की तिलावत के अखतम पर मैं गौरव फ़िक्र की वादियों में गुम हो गई मेरी सोच का महवरक़ अल्लाह इज्जत की तमाम नमतों का शुमार और ममलिकत खुदा पाकिस्तान में अल्लाह ताला की उन नमतों की फ़रावानी पर गौर करना था कि सरा रहमान में अल्लाह ताल ने हमें जिन नमतों का अल्लाह जिन नमतों का जिक्र किया मैं ये जानकर बहुत खुश हुई और अल्लाह काबा का शुक्र बजा लाई कि वो तमाम नमतें अल्लाह इज्जत ने हम गुनाहगारों को अदा की। अचानक मेरी नज़रों के सामने ये मंज़र आता है मेरी नज़रों के सामने ये मंज़र आता है अचानक मेरी नज़रों के सामने ये मंज़र आता है के दौरे हाजिर में जहाँ जहालत जहाँ जहालतों का दौर दौरा था एक तरफ सोती रूहें नजर आती हैं तो दूसरी जानी बेचार और एक तरफ सोती हुई रूहें नजर आती हैं तो दूसरी जानब बेचार और मजलूमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं मगर सदर अली वक़ार मेरे दिल में एक खयाल मेरे दिल में एक उम्मीद जागती है कि ये वतन सत्ताईस शमजानमारक के मुताबिक रात को रबल ने हमें अता किया तो वही इस मुल्क को संवारेगा वही इस मुल्क को संभालेगा बस हमें, बस हमें हकीकी बस हमें हकीकी चाहिए, अदा चाहिए. So continue, continue, stop, बस हमें हकीकी हबूल उब, वतनी की अदा चाहिए अदा चाहिए सर गिव मी सम फाइव मिनट्स कंटिन्यू कंटिन्यू डोंट स्टॉप पुश योरसेल्फ बस हमें हकीकी हकीकी हबूल वतनी की अदा चाहिए तो मैं अपनी आने वाली नस्लों को यह पैगाम देना चाहूंगी कि उम्मीदें सुबह जमाल रखना उम्मीदें सुबह जमाल रखना कि आज भी पाकिस्तान हम पाकिस्तानियों में शेरबानों आज भी हम पाकिस्तानियों में आज भी हम पाकिस्तानियों में सर सरस्या, सैयद अहमद ख़ान की तहरीक मौजूद है उम्मीद सुबह जमाल रखना कि आज भी हम पाकिस्तानियों में इकबाल का इकबाल की सदाकत और इकबाल के कलम की वो ताकत मौजूद है जो हमें हर पल ये पैगाम देती है कि वतन के प्यारों तुम इन गुलों को संभाल रखना तो जाके मायूसियों से कह दो उम्मीद सुबह जमाल रखना उम्मीदें सुबह जमाल रखना सदरियाली अली <laughs> नहीं हो जाता है कभी कभार टंडो आदम से सफर करके आई हैं आज ये सुबह और जाहिर सी बात है सफर की थकान ये सारी चीज़ें तो कोई बात नहीं है लेकिन आप रोस्टम नहीं छोड़ी आपने ढाई मिनट निभाया और ये हमारी बा हिम्मत खातून का एक जो समझ लीजिए अमली नज़ीर आपने पेश किया मैदान नहीं छोड़ा आपने और, पाकिस्ता... हार नहीं मान और पाकिस्तान नहीं। नहीं। की हर औरत जो है ना इसी तरह से मैदान में डटी हुई है हार मान जाते तो आज यहाँ थोड़ी बैठे होते हार नहीं मानी जी मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ बहुत प्रेशर था जी, जी। अब्दुल रहमान हामिद साहब लाहौर से हैं क्या बात है हामिद साहब आपकी जी मुझे कुछ कहना है सदर आली वकार लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को नजरिया एब्सल्यूटली नाट बाईस साल जिद्दोजहद ये दुख वही महसूस कर सकते हैं जो इस अजियत से गुजरे हों जिद्दोजहद इंसाफ की जिद्दोजोहद्बा नया पाकिस्तान बनाने का जज्बा इश्क पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से इश्क जुनून निज़ाम ठीक करने का जुनून इन्ना लिल्लाही व इन्ना अले राजून सफ़े मातम सदरे अली वकार नमाज जनाजा दुआए ताजियत इस उम्मीद सुबह जमाल के लिए जिसे रोशनी बिखेरने से पहले ही तीरगी ने ढांप लिया के सदर आली वकार ये अपना सूरज तराशने की मुजरिम थी ये सफ़ाक खुदाओं से बागी थी वो उम्मीद सुबह जमाल जो कैदी नंबर आठ सौ चार की सूरत पसे जिंदा पुकारती है के जहा मुखालिफे शब ख्याल रखना वहां पे कहता है एक दीवाना उम्मीद सुबह जमाल रखना वहां पे कहता है एक दीवाना उम्मीद सुबह जमाल रखना सुबह जमाल बाकी रहे तो अंधेरी रात का खात्मा हो ही जाता है सदर अली बकार यही उम्मीदें सुबह जमाल करबला में तुलु हुई तो यजीद को ले बैठी दीपल पे तुलु हुई तो राजा दाहर की सल्तनत को गारत कर दिया हिस्पानिया में तुलु हुई तो रोडरक और उसकी फौज का सिफाया कर दिया तुर्किया में तुलु हुई तो इस्लामी कानून बस कानून साजी बनने के, के इम्कान बने के सदर अली अंधेरी शब का जवाल गलत अमल पर सवाल लाजिम यकी की ताकत पुकारती है उम्मीद सुबह जमाल लाजिम उम्मीद सुबह जमाल लाजिम